प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही गौवंश की जान पर भारी पड़ गई। विभाग की इस लापरवाही के चलते दो गौवंश को जान गंवानी पड़ी। मामला फतेहाबाद के भूना इलाके का है। यहाँ बीते दिनों हुई भारी बरसात के चलते शहर में जल भराव के हालात उत्पन्न हो गए। उपायुक्त से मिलने पर गौ सेवकों का आरोप है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की निकासी नंदीशाला और जन स्वास्थ्य विभाग के बीच में पड़ी खाली जगह पर अस्थायी गड्ढा बनाकर वहां कर दी। अस्थायी प्रबंध होने के चलते वहां से पानी रिस कर नंदीशाला में पहुंचना शुरू हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि नंदीशाला में दलदल के हालात बन गए और इस दलदल में फंसकर दो नंदियों की जान चली गई। आरोप है कि नंदीशाला से जुड़े कार्यकर्ता और गौ सेवकों ने बार बार जन स्वास्थ्य विभाग में संपर्क कर समस्या का समाधान करने की मांग की थी, लेकिन विभाग की ओर से किसी भी अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद गौ सेवक उच्च अधिकारियों से मिलने फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पब्लिक हेल्थ द्वारा गंदे पानी का निकासी नंदीशाला और प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बीच में बुन्ना में उसके बीच में गड्ढा खोद के जेसीबी से और उसमें पानी की निकासी कर दी, जिससे जो मिट्टी थी खुदाई की हुई वो नंदीशाला की दीवार के साथ लगा दी, जिससे कि नंदीशाला में आवारा कुत्ते घुस के पशुओं को काट लेते हैं। और दूसरा वो गंदा पानी जो है वो नंदीशाला की दीवारों को पार करके और नंदीशाला के अंदर पूरा दलदल हो गया है और वो पानी नंदीशाला के मेन दरवाजे से होता हुआ फिर आगे किसान के खेत में घुस गया और हालात ये हो रहे हैं कि गौ सेवकों और किसानों के बीच में झगड़ा होने की आशंका है। हाँ, दो पशु मरे हैं जिसमें एक कुत्ते ने भी काट लिया। किस तरह मरे हैं ये, किस कारण से? जो पानी से दलदल मच गया था जी। कब की बात है जी? ये रात की। तो अभी क्या, कहाँ मिलने, किससे मिलने के लिए? अभी एडीसी साहब से मिलते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ को बोल के वो गड्ढा बंद करवाया जाए। तो पब्लिक हेल्थ से बातचीत हुई होगी क्या, उन्होंने क्या कहा है? पब्लिक हेल्थ से बातचीत हुई तो वो कभी बोलते हैं हम आ रहे हैं विजिट करने के लिए, कभी बोलते हैं नहीं आ रहे, कभी बोलते हैं शाम को आएंगे, कभी कभी। क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानी कड़िया, सारे पानी पड़िया था। Thank you.